नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्जाम गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे जीके जीएस के कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आपको किसी भी एग्जाम देने जाइए, ये क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बहुत ही गौर से देखिएगा इन प्रश्नों को दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। जो लोग चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह है। जी हाँ, बताना है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वो कौन था? वो आपका था नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त युग में बहुत प्रसिद्ध था। ये सब आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल कर लेते हैं। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? जी हाँ, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? वो दी गई थी समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। समुद्रगुप्त को भारत नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगला सवाल करते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है धन्वंतरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो याद रखिएगा आप सब, आयुर्वेद के बाद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? धन्वंतरी को मानते हैं। अगला सवाल देखते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो श्रीगुप्त था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। श्रीगुप्त पहला गुप्त शासक था। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन के लिए आपका क्वेश्चन। अगला सवाल। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ ही समाप्त हो गया? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, हूणों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका हूणों के आक्रमण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो याद रखिएगा आप सब। अगला सवाल कर लेते हैं। आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से साथ संबंधित हैं? आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके जनरेशन के लिए, तो याद रखिएगा इसे। आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? गुप्त वंश के साथ। अगला सवाल। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगला सवाल कर लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। अगला कॉल करते हैं। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कालिदास किसके राजकवि थे? वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो वो था त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिभुजाकार। इंपॉर्टेंट हो सकता है इस क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगला सवाल कर लेते हैं। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन के लिए आपके। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो था श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, श्रीगुप्त था।
अगला सवाल करते हैं, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? वो था कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। याद रखिएगा आप सब। अगला सवाल कर लेते हैं, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? वो थी आपकी संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी, अरे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संस्कृत। और ये सबसे प्राचीन भाषा है, इसे याद रखिएगा आप सब, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी था, गणितज्ञ था? गुप्त शासन के दौरान वह कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों था? वो थे आपके आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट खगोल विज्ञानी के साथ साथ गणितज्ञ भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? जी हाँ, गुप्त राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जी हाँ, बताना है आपको, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट सवाल करते हैं, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोने के। ऑप्शन नंबर ए सोने के। इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए, याद रखिएगा, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोने के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को किस और नाम से जाना जाता था? करेक्ट, आपका करेक्ट आंसर है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है? निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्तों के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, गुप्तों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, हर्षवर्धन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? जी हाँ, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया करता था? तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में किया करता था। इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए, याद रखिएगा आप सब, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन है? एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन है? आपका करेक्ट आंसर है वो बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट थे। याद रखिएगा आप सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? करेक्ट आंसर आपका है हर्षचरित। बाकी ये तीनों की रचना बाणभट्ट ने, अरे हर्षवर्धन ने की थी, लेकिन हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन के लिए, तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, तो हर्षचरित की रचना नहीं की थी, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा हुएन त्सांग के सम्मान में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, हुएन त्सांग के सम्मान में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका। अगला सवाल कर लेते हैं, वायुमंडली दाब मापने का पैमाना क्या है? वायुमंडली दाब मापने का पैमाना क्या है? आपका वो है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आ सकता है, तो याद रखिएगा वायुमंडली दाब मापने का पैमाना कौन है? बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिकाएं होती हैं? इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर ए। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? एक होता है। इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? वो बना था आपका 1963 में यानी 1963 में बना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? जी हाँ, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा मालेगांव, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, मालेगांव सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का। इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके और जीएस के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आप सब इन्हें अच्छे से देखिएगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।